नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम वर्मा और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, ये किसी भी महिला के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। माँ के लिए ये फायदेमंद कैसे होती है, क्योंकि ये औरतों को बहुत ही खतरनाक बीमारियों से बचाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, और आफ्टर डिलीवरी जो बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको भी कम करने में बहुत ही मददगार होती है। और इसके साथ साथ बच्चे के लिए ये फ़ायदेमंद किस तरह से होती है, ये बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान करती है। इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करूँगी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और WHO ने भी इसे 1 ईयर तक तो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए कहा है, WHO ने भी इसे रिकमेंड किया है। तो पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कभी कभी कुछ महिलाओं को दिक्कत हो जाती है कि पूरी तरह से फीड नहीं आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो इसके कारण हम जान लेते हैं। तो इसका पहला कारण है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। आफ्टर डिलीवरी माँ को थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत होती है, लगभग 600 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसकी भरपाई करने के लिए थोड़ा सा उन्हें अपनी डाइट को बढ़ाना चाहिए, अपनी डाइट में हेल्दी डाइट को इंक्लूड करना चाहिए। ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। इससे मिल्क जो होता है वो बढ़ता है, मिल्क का सेक्रेशन बढ़ता है। और दूसरा कारण है कि कभी कभी हम प्रॉपर फीड नहीं कराते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को, तो भी मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं हो पाता। तो मोर यू फीड मोर मिल्क विल प्रोड्यूस। आप जितना ही ज़्यादा फीड कराओगे अपने बच्चों को, उतना ही ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो दोस्तों, ये कारण हुए जिनकी वजह से ब्रेस्ट फीड है, मिल्क है जो, वो ज़्यादा नहीं बन पाता है। अब मैं आपको बताऊंगी इनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस जो कि मिल्क के सेक्रेशन को बढ़ाने में और रेगुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती हैं। तो नाम नोट कर लें आप। पहली मेडिसिन है रिसिनस कॉम्युनिस, मदर टिंचर लेना है आपको इसका। और दूसरी मेडिसिन है आर्टिका यूरेंस, इसका भी मदर टिंचर लेना है। आप एक का रिसिनस कॉम्युनिस का आप मॉर्निंग में ले लें, 10 बूंदें आधे कप पानी में मिला कर ले लें, और आर्टिका यूरेंस को के मदर टिंचर को शाम को ले लें आप, आधे कप पानी में 10 बूंदें मिला कर लें। आप इसको लगभग जब तक आपको फीड कराना हो तब तक आप ले सकते हैं, 6 महीने 1 साल तक। कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ़ है, पूरी तरह से सेफ़ है। दोस्तों, आप एक बार नाम फिर से नोट कर लें, रिसिनस कॉम्युनिस मदर टिंचर में लेना है, और आर्टिका यूरिन इसे भी मदर टिंचर में लेना है। और दोस्तों, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी, कभी कभी फीड कराते समय महिलाओं को निपल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, वो बहुत ही पेनफुल हो जाती है। जैसे ही बच्चा सक करता है वैसे ही निपल में पेन होता है, तो उसके लिए भी मैं मेडिसिन बताऊँगी, आप मेडिसिन नोट कर लें। एक है सालिशिया, 30 में लेना है आपको, और दूसरी मेडिसिन है फाइटोलक्का, इसको भी 30 में लेना है। सालिशिया और फाइटोलक्का दोनों को आप एक को मॉर्निंग में लीजिए, फाइटोलक्का 30 को मॉर्निंग में लीजिए उसकी 2 बूंदें, और सालिशिया 30 को इवनिंग में लीजिए उसकी 2 बूंदें। इस तरह से करके आप तब तक लें जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। तो नाम आप फिर से नोट कर लें, सालिशिया 30 और फाइटोलक्का 30, इसकी 2 बूंदें लेनी है एक टाइम दिन भर में। जैसे आप फाइटोलक्का 30 मॉर्निंग में ले लें और सालिशिया 30 इवनिंग में ले लें, इसकी 2-2 बूंदें। तो दोस्तों, ये हुई मेडिसिंस, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग पर। अगर आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट या मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।